नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं राजेश राज। दो साल मोदी सरकार, इस खास अंक में हमारे साथ खास मेहमान हैं देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। एज ए पेट्रोलियम मिनिस्टर, दो साल में सबसे बड़ी उपलब्धि, दो उपलब्धि। देखिए, जब हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आशीर्वाद मिलने के बाद हम लोग जिम्मेवारी में आए और कामकाज संभालना शुरू किए, विरासत में हमको कई सारे उलझन मिली थी। इस विभाग में सबसे चुनौती था उसको कैसे समाधान करना। देश की जो बढ़ती हुई आकांक्षा है, जो ऊर्जा की अपेक्षा सामान्य जन के अंदर है, विकास की पहला शर्त ऊर्जा उपलब्धि, उनको एनर्जी मिले, एनर्जी सिक्योर करना, ये चुनौती था। पुराने विवादों को ज़्यादा ना उलझते हुए रास्ता निकालना। दूसरी ओर इस विभाग को सामान्य जन के प्रति उत्तरदायी करना, ये विभाग को गरीबों के कल्याण में लाना, इस प्रकार की चुनौती हमारे सामने था। मैं आज दो साल के बाद प्रधानमंत्री जी की कुशल मार्गदर्शन में, उनकी दूरदृष्टि नेतृत्व के कारण और उनकी जो मूल एक संवेदनशीलता है उसके कारण इस विभाग में हमने कई सारे उपलब्धियां किया है। दो विषय अगर मैं प्रारंभ में कहूँ, इसको एक तात्कालिक कुछ हम लोगों ने कदम उठाए हैं जिसमें 15 करोड़ लोगों की एलपीजी कंज्यूमर की सीधा सीधा सब्सिडी उनकी बैंक खाते में पहुंचाना, एलपीजी कंज्यूमर के अंदर एक बहुत बड़ा सहूलियत लेके आना, प्रधानमंत्री जी की निवेदन पे 1 करोड़ लोगों की सब्सिडी अपने से छोड़ देना और आने वाले 3 साल में 5 करोड़ नए गरीबों के घर में महिलाओं के नाम पे एलपीजी कनेक्शन देना, ये सब एक तरफ होती है। दूसरी तरफ आने वाले कुछ सालों के लिए देश की तेल और गैस की उत्पादन बढ़ाने में और तेल और गैस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, दो तरफ, देश की अंदर और देश की बाहर, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, एक उसको भी हम लोगों ने एक उसकी प्रारंभिक काम हमने शुरू कर दिया है, जिसके कारण लंबे समय तक देश ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर, एनर्जी सिक्योरिटी की ओर आगे जाएगी। गिव इट अप योजना जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साल भर पहले इसके लिए लोगों से अपील की कि अपनी सब्सिडी लोग छोड़ें, तो आपको ये भरोसा था कि इतने संख्या में, इतने बड़ी तादाद में लोग इस प्रधानमंत्री की अपील को आत्मसात करेंगे और 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ने का फैसला किया, आपको भरोसा था? देखो, व्यक्तिगत रूप में मेरे को, मैं आपके सामने मन की बात बताने में, सच बताने में कोई द्विधा नहीं करूंगा कि व्यक्तिगत रूप में मैं भी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 मार्च 2015 में देश के सामने ये निवेदन किया, ये अपील किया, जो अपने खर्चे से अपने चूल्हा जला सकते हैं वो सब्सिडी छोड़ दे, स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दे, तब ये मेरे मन में कल्पना कतई नहीं थी कि ये 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी साल भर के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि था, देश की जनता के ऊपर उनकी भरोसा था। वो तो बार बार एक विषय कहते हैं, शासन चलाने में, सेवा करने में जनता को भरोसा करनी चाहिए, नागरिकों के ऊपर भरोसा करनी चाहिए, ये दृष्टि उनकी होने के कारण उन्होंने उसी के आधार पर अपील किया। और आज हम साल भर के अंदर अगर मुड़ के देखते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दिया। जब लोगों की लेने की होड़ लगती है, प्रधानमंत्री जी पर भरोसा करके जनता ने, नागरिकों ने अपना सब्सिडी छोड़ दिया। क्या संख्या जो है 1 करोड़ से आगे बढ़ता जा रहा है या मामला वहीं अटका पड़ा है? ना ना ना, ये तो एक जन आंदोलन के रूप ले रहा है, आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी। और मैं मानता हूँ देश इसके पीछे जो एक है, देखिए, देश की विद्वान, देश की अर्थशास्त्री अभी तक, आज़ादी के बाद अभी तक सब सब्सिडी को आलोचना करते हैं, देश की अर्थनैतिक प्रगति में सब्सिडी एक बाधक है ऐसा समीक्षा करते हैं, इसलिए सब्सिडी को घटाना चाहिए, उसकी रास्ता उन्होंने माना था काट देना चाहिए। एक नया वितर्क प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, क्या गरीबों के हक को काट देना चाहिए या गरीबों तक उनको पहुंचानी चाहिए, सब्सिडी को टारगेट करनी चाहिए, जरूरतमंद को सब्सिडी पहुंचे, उसके साथ साथ बिना काटे हुए अगर
हम लोगों को समझा पाएंगे, लोगों को निवेदन करके उनको मना पाएंगे। शायद दुनिया में इसकी कोई उस प्रकार की कोई उदाहरण नहीं है, लोगों को इस प्रकार के माहौल में प्रेरित करके, मोटिवेट करके भरोसा दिला के कि मैं आपकी बचत को किसी गरीब के घर में पहुंचाऊंगा। ये जो भरोसा प्रधानमंत्री जी के प्रति जनता की है, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं मानता हूं काफी मात्रा में लोग उसमें से जुड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी जुड़ेंगे। इस मंत्रालय को पहले कॉरपोरेट घरानों का मंत्रालय समझा जाता था, लेकिन आपने इसको गरीबों से, समाज के कमजोर तबके के जो लोग हैं उनसे जोड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया की सभा में जब उज्ज्वला योजना की वो शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने कहा भी कि धर्मेंद्र प्रधान ने गरीबों से इस मंत्रालय को जोड़ा। प्रधानमंत्री ने आपकी तारीफ भी की। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी की बातों पे क्या कहूँ, लेकिन मैं एक विषय को एक याद दिलाना चाहूँगा। जब पिछले दो साल पहले, जिसकी आप याद कर रहे थे, दो साल पहले लंबे अरसे के बाद भारत के सामान्य लोगों ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया था। पिछले 2014 की आम चुनाव में भारत के सामान्य लोग, दलित, महिला, गरीब, नौजवान, ये सब इकट्ठा आके माननीय मोदी जी को इतनी बड़ी बहुमत दी। पहली बार 30 साल के बाद गैर कांग्रेसी सरकार आजादी के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ आई। पहला ही भाषण में जब हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता चुने, संसद की सेंट्रल हॉल में उन्होंने कहा था, पहला ही भाषण कहा था, मेरे सरकार गरीबों के प्रति समर्पित रहेगा, महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति समर्पित रहेगा। यह हमारी व्यवस्था चलाने की, सेवा करने की यह हमारी मूल मंत्र है। गरीब सपक्ष में योजना बनाना, कल्याणकारी योजना बनाना, यह नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन से, उसको चुनाव के पहले भी उसको वितर्क किया था। क्या गरीबी के खिलाफ सबको एकजुट नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश से गरीबी को हटाने के लिए योजना नहीं बनानी चाहिए? यह हमारी चुनाव की पहले की मुद्दा था। इसलिए इस योजना को आगे बढ़ाते हुए आज हम सारे विभाग, सिर्फ पेट्रोलियम विभाग नहीं है, क्या कभी याद करिए, 20 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले, 11 करोड़ से ज्यादा सामान्य लोगों की बीमा बनी, मुद्रा योजना में लगभग 3.5 करोड़ छोटे हिताधिकारी और 1,20,000 करोड़ के ऋण, ये सब किसको, कौन हिताधिकारी बन रहे हैं? सामान्य लोग। उज्ज्वला योजना जो है, इसको बनाते समय, इसको तैयार करते वक्त क्या क्या दिमाग में रहा, किस रणनीति के तहत इस योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी हुई? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक समीक्षा आई है, भारत में हर एक साल 5 करोड़ महिलाओं की जान चली जाती है घरेलू प्रदूषण के कारण। 1 घंटे की घरेलू धुआं 400 सिगरेट फूकने की बराबर है। यही एक मूल विषय है कि इससे कैसे भारत की गरीब महिलाओं को इसमें से मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। यह कसण, यह जो कष्ट, इसको समझने के कारण इस सरकार, एक संवेदनशील सरकार होने के कारण, नारा तो बहुत लोगों ने दिया, योजना तो बहुत लोगों ने कल्पना किया है, लेकिन यह हमारी मूल प्रेरणा रही कि एक संवेदनशील सरकार होने के नाते, लोकाभिमुखी सरकार होने के नाते, हमने एक सटीक योजना बनाई। पहले से ही बहुत लोग जिम्मेवारी संभाले हैं, लेकिन योजना किसके लिए बनाना, किस आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाना, इसकी अगर स्पष्टता होती, उज्ज्वला जैसी योजना सामने आती है। 5 करोड़ महिलाओं तक योजना पहुंचाने की बात हो रही है, लगता नहीं है कि बहुत चुनौतीपूर्ण काम है? और महिलाओं का जो चयन होगा उसमें मापदंड क्या होगा? आपके मंत्रालय के द्वारा कैसे फैसला किया जाएगा कि किस महिला को चाहिए और किसे नहीं चाहिए, उसका मापदंड क्या होगा? देखिए, चुनौती तो है ही, उसको विभाग ने स्वीकार किया है। जब प्रधानमंत्री जी ने देश को वचन दिया है कि मैंने आने वाले 3 साल में 5 करोड़ गरीब महिलाओं के नाम पे LPG पहुंचाऊंगा, निश्चित रूप में ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। मूलतः इसको हमने ये से तय किया है कि जो अभी अभी कई राज्यों की सरकारें और भारत सरकार ने मिलकर तय किया है कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस देश में बन चुकी है, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वाकांक्षी योजना, उसी के आधार पर देश में वितरित होगा। हमारे विभाग ने भी SCCC लिस्ट को, जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाए हैं, उसी को हम आधार मानेंगे। जो लोग उस सूची में होंगे वो आवेदन करेंगे,
फिर उसके बाद उनके आधार नंबर को जोड़ दिया जाएगा, आधार नहीं होगा तो आधार नंबर नए बनाया जाएगा। जो महिला के नाम पे, जो बहन के नाम पे, जो माता के नाम पे एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा उसकी बैंक अकाउंट को भी जोड़ दिया जाएगा, नहीं होगा तो उसको बैंक अकाउंट जनधन की माध्यम से खोला जाएगा। और ये पुराने एलपीजी वो परिवार या वो ग्राहक, कोई हिताधिकारी पुराने एलपीजी के ग्राहक है कि नहीं है उसको भी हमारी एक निगरानी कर लिया जाएगा। ये चार पैमाना को पूरा करने के बाद एससीसीसी लिस्ट, आधार की जोड़ना, बैंक अकाउंट को जोड़ना और पुराने ग्राहक है कि नहीं उसकी चेक कर लेना, इसके चार के बाद वो हिताधिकारी बनता है। इस प्रक्रिया पूरा करने के बाद वो लाभार्थी बनेगा। धर्मेंद्र जी, पर्यावरण संतुलन और प्रदूषण मुक्त भारत की कल्पना की जा रही है, उसके लिए काफ़ी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय प्रदूषण मुक्त भारत के अभियान में किस तरीके से अपना सहयोग करेगा और क्या इसके लिए योजनाएं बनी हैं अब तक? देखिए, दो तीन में उसकी हमारी विभाग की पहल को मैं उल्लेख करना उचित मानूंगा। एक जैसे उज्ज्वला, जिसके बारे में अभी तक हम चर्चा कर रहे थे, ये तो महिलाओं की स्वास्थ्य के अलावा उससे सबसे ज़्यादा कोई सेक्टर को लाभ होगा तो पर्यावरण को लाभ होगा। अनेकों महिला रोज जंगल जाती है लकड़ी काटने के लिए, अपने घरेलू ईंधन के लिए। ये लकड़ी काटने की मात्रा धीरे धीरे घटनी चाहिए। ये पहल, हमारी उज्ज्वला योजना की पहल एक उस दिशा में एक कदम है। दूसरी, भारत की अंदर, भारत की बाजार में पेट्रोल और डीजल देने की जिम्मेदारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर है जिनके पास रिफाइनरी है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में विश्व मानवता के लिए एक जिम्मेदारी ले लिया, भारत बहुत प्रदूषण करने वाले देश नहीं है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने विश्व की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपना जिम्मेवारी लिया कि मैं वचन देता हूं 2030 तक भारत की जो 2005 की बेसलाइन पे प्रदूषण होती है उससे 30-35% हम घटाएंगे। हमने योजना बनाना शुरू कर दी है कि 2020 तक भारत की बाजार में BS6 ले आना, जो सबसे एक क्लीन फ्यूल होगा, स्वच्छ ईंधन होगा, जिसमें से प्रदूषण की काफ़ी मात्रा में नियंत्रण किया जा पाएगा। इसको हमने 2017 तक, अप्रैल तक देश भर में BS4 लागू करेंगे। BS5 को जंप करते हुए हम 2020 तक BS6 लागू करेंगे। दूसरी ओर, सरकार आते ही एक योजना हम लोगों ने शुरू कर दिया है, PNG CNG को हम अग्राधिकार दिए हैं। गैस एलोकेशन में PNG CNG को हमने अग्राधिकार दिया है। शहर के अंदर जहाँ जहाँ ट्रंक पाइपलाइन गई है, घरेलू गैस घर के अंदर पाइप के माध्यम से पीने के पानी मुताबिक, नल में पानी आने का मुताबिक गैस भी पहुँचेगी, एक स्वच्छ ईंधन होगी। दूसरी ओर, दिल्ली जैसे शहर, हमने जब दिल्ली के अंदर कई प्रकार के वितर्क चली रहा है और इवन की एक पहल भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक अपना टिप्पणी दे रहा है, उस समय में हमारी मंत्रालय ने कदम उठाई पहल की, हमको किसी की टिप्पणी आई नहीं थी कि हम उसको एक बहुत बड़ा ढिंढोरा भी नहीं पीटे। NCR में 350 CNG स्टेशन होती थी। जनवरी महीने में हम लोगों ने निर्णय किया कि हमको इसकी मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। मई अंत तक हम दिल्ली के अंदर, NCR के अंदर और 100 नया CNG स्टेशन खोल देंगे। देश में CNG कारोबार बढ़े, घरेलू घर के अंदर PNG पहुंचे और ज़्यादातर शहरी परिवहन CNG पे आ जाए, वो दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो, बेंगलुरु हो, लखनऊ हो, ये सारा इलाका में उसके हमने व्यापक वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। दिल्ली सबसे ज़्यादा लाभान्वित उसमें होने वाला है। ये सारे कुछ कदम हमारी मिनिस्ट्री की ओर से स्वच्छ ईंधन के लिए और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हम उठा रहे हैं। आपने कहा कि घर में नल के पानी की तरह गैस आएगा, तो दिल्ली में तो ये व्यवस्था कायम होती जा रही है, लेकिन यह सुविधा छोटे शहरों तक कब पहुंचेगी? दिल्ली से बाहर आपकी योजना जो है ये कब फलीभूत होगी? क्या इसके लिए मंत्रालय
दिल्ली से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है? देखिए, घरेलू ईंधन अभी देश में लगभग 30 लाख घर तक पहुंचती है। मैं आपको एक उसकी अगर हिसाब ऐसे मैं बताऊं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में प्रदेश के काम देख रहे थे, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे थे, तब उनकी सही योजना के कारण उस 30 लाख में से 15 लाख ग्राहक तो गुजरात में ही है, जो आप कह रहे हैं कि छोटे इलाका में कैसे पहुंचे। इसीलिए जो नीति को सुधारना चाहिए, नीति को एक डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, उन्होंने वहां किया था। बाद में PNGRB करके एक रेगुलेटरी बॉडी आ गया है, हमें उसके अनुभव भी ले रहे हैं, कई साल हो गया, जिसके कारण थोड़ा लगता है कि इसमें भी थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। धीरे धीरे जो हमारी पश्चिम इलाका, पुणे हो, मुंबई हो, इसकी निकट की इलाका, उसमें से घरेलू गैस पहुंचना शुरू हो गया है। ये धीरे धीरे नॉर्थ की ओर भी जाएगा, धीरे धीरे हम पूर्व की ओर, ईस्टर्न इंडिया की ओर जा रहे हैं। जगदीशपुर हल्दिया जो पाइपलाइन हम लोगों की कल्पना में है, ये पाइपलाइन की काम हमने शुरू कर दिया है। इसके कारण लखनऊ से आगे इलाहाबाद, बनारस, पटना, रांची, भुवनेश्वर, कलकत्ता, ये सब इलाका उसमें से जोड़ा जाएगा। आंध्र के अंदर हम काफ़ी मात्रा में घरेलू गैस पहुंचे पाइप के माध्यम से, इसकी भी योजना बना रहे हैं। इसको एक मिशन मोड पे ले आके आने वाले दिनों में ज़्यादातर घर में पाइप में गैस पहुंचे, इसके हमने काम शुरू किया है। इसमें वक्त कितना लग सकता है? देखिए, इसकी एक थोड़ा खर्चा ज़्यादा है, लेकिन हम एक प्रारंभिक टारगेट लेके चल रहे हैं। आने वाले 3 साल में हम लोग 1 करोड़ घर तक, जो आज 30 लाख है, हम आने वाले 3 साल में हम उसको 1 करोड़ तक ले जाएं, इसके हम एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और मेजर शहर में परिवहन CNG पे कन्वर्ट हो जाए, इसके भी हम लोग सारे योजना बना रहे हैं। गैस सब्सिडी के तर्ज पर चर्चा है कि केरोसिन सब्सिडी को भी बैंक खाते के माध्यम से आप जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस योजना को लाने में कितना वक्त लग सकता है? क्या तैयारी है केरोसिन सब्सिडी के क्षेत्र में? देखिए, गैस सब्सिडी और किरोसिन सब्सिडी में एक मौलिक अंतर है। दोनों को हम, ये लक्ष्य में हम स्पष्ट हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं की तक सब्सिडी पहुंचे। किरोसिन बहुत मात्रा में डाइवर्ट हो जाती है, ग्रे मार्केट को डाइवर्ट हो जाती है, इसमें से प्रदूषण बढ़ती है, राज्यों की अर्थनीति में उसकी नकारात्मक इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जो किरोसिन कालाबाजारी में चला जाता है वो पेट्रोल और डीजल की बिक्री को घटाती है। हमने इसलिए योजना बनाई, राज्यों के साथ चर्चा किया है। LPG में क्या था कि सूची वितरक के पास था, वो भारत सरकार की और कंपनियों के नियंत्रण में थी। यहाँ के जो लाभार्थी होना है, ये राज्य सरकार के साथ हम उसको मिलकर तय करना पड़ेगा। हमने कई राज्यों से बातचीत किया है, लगभग राज्यों ने उसकी इस विषय में हमारी साथ दिया है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे राज्यों की एक प्रकार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे राज्यों, पंजाब, ये सारे राज्यों में हम एक प्रकार, एक महाराष्ट्र, एक सहमति की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे इसी वित्त वर्ष में हम एक अच्छी खासी मात्रा में, क्योंकि उसमें से राज्य की सहयोग की आवश्यकता है, खाद्य मंत्रालय की ओर से सारे हिताधिकारियों का पंजीकरण किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, उनकी रिकॉर्ड को दोबारा बढ़िया से बनाया जा रहा है, आधार जोड़ा जा रहा है, उसमें से हम हिताधिकारी को टारगेट करके उनकी बैंक खाता तक पहुंचाने की गेटवे कई राज्यों में पायलट बेसिस में हमने इसी साल में एक सब्सटेंशियल नंबर तक पहुंच जाएंगे। वित्त विभाग ने उनको एक नया फॉर्मूला दिया है, जो बचत होगी उस बचत की बड़ी भारी मात्रा हम राज्यों के पास छोड़ आएंगे। इस सब्सिडी में जो बचत होगी टारगेटेड करने में, उसको हम राज्यों के पास छोड़ आएंगे। मैं उसकी कितने राज्य, कितने इलाका में पहुंचेंगे, कितने जिले में पहुंचेंगे, इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम उसको इसी आर्थिक वर्ष में लागू कर देंगे, एक अच्छे खासी मात्रा में लागू कर देंगे, ये हम आशावादी हैं। धर्मेंद्र जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तय होती हैं, ऐसा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई बार गिरावट आई, खासकर आपके मंत्री बनने के बाद, और उसका लाभ भारत को मिला, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जितना लाभ मिलना चाहिए था उतना लाभ नहीं मिला। अगर मंत्रालय चाहता तो भारतीय
उपभोक्ताओं को कुछ और लाभ दिया जा सकता है, क्या वजह रही? ये बात सही आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मानक में हम लोग अपने देश की तेल की मूल्य को निर्धारित करते हैं। अभी तो पिछले महीने भर में ये बढ़ना शुरू किया है, बीच में घटा था, अच्छी खासी घटा था, ये बढ़ना, और हमने जानबूझ के भारत की व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अंततोगत्वा ग्राहक बाजार की ऊपर नीचे दोनों भाव के साथ जुड़े रहे, इसको हमने डीजल को भी पेट्रोल को भी डीरेगुलेट, पहले से था डीजल को भी डीरेगुलेट कर दिया, बाजार के हवाले में कर दिया। पिछले 2014 जुलाई के आगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दाम घटी और प्रोडक्ट की दाम पे, पेट्रोल डीजल की दाम पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटा और बढ़ा भी है, अभी तो बढ़ना शुरू किया है, ये बात सही है। पिछले 1.5 साल में जो बचत हुई उसमें हमने 50% पहले हम ग्राहकों को पहुंचाए, इसीलिए आज इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, ये बात सही है। 50% हमने बचा के संचय करके रखा। मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि 14वीं वित्त आयोग के 14 फाइनेंस कमीशन की जो सुझाव था उसको केंद्र सरकार ने लागू किया है, जिसके तहत 42% केंद्रीय रेवेन्यू, केंद्रीय शुल्क जो आदाय होगा हमको राज्यों तक पहुंचाना पड़ेगा। हमारी जो 50% की बचत हुई उसके 42% हमने राज्यों को लौटाया। दूसरी जो पैसा बची, जो बाकी हिस्से की पैसा बची, उसमें हमने आज भारत की जो बुनियादी आवश्यकता है, अच्छे सड़क बननी चाहिए, किसानों को सिंचाई मिलनी चाहिए, पीने की पानी मिलनी चाहिए, फसल बीमा होनी चाहिए, उज्ज्वला जैसे कल्याणकारी योजना होनी चाहिए, जन औषधि जैसे कल्याणकारी योजना होनी चाहिए। आज हम केंद्र सरकार की ओर से जिला चिकित्सालय तक डायलिसिस की बात कर रहे हैं, उसके लिए आर्थिक प्रबंधन चाहिए। आखिर एक कल्याणकारी राज्य में राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, इनकी जवाबदेही रहती है प्रजा की और सामान्य लोगों के कल्याण के लिए, इसके लिए आर्थिक आवश्यकता भी पड़ती है। हमने बचा के बाकी इधर उधर खर्चा नहीं किया, सामान्य लोगों की जिंदगी में फर्क आए, उनके लिए बुनियादी ढांचा मजबूत हो, उसमें हमने खर्चा किया है। मंत्री बनने के बाद आप गाड़ी, मंत्रालय की जो गाड़ी है उसको पटरी पर लाने के लिए लगातार विदेशों की भागदौड़ करते रहे। कई ऐसी परियोजनाएं थी जिस पर पिछली बार भी चर्चा हुई, जिसमें भारत, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन या तेल पाइपलाइन की बात आपने की थी, उसकी क्या प्रगति है और उससे भारत को फायदा क्या होगा? देखिए, हमने जो हमारी ज़्यादातर तेल हम खाड़ी की देशों से लेके आते हैं, पड़ोस की हो सऊदी अरब हो, यूएई हो, इराक हो, ईरान हो, कुवैत हो, कतार हो, वहीं से लेके आते हैं। आज इस सारे इलाका में एक नई प्रकार के संबंध भारत के साथ बनते दिख रहा है। इसके लिए एक प्रमुख कारण है माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व, उनकी विश्वसनीयता, उनके प्रति वहाँ के नेतृत्व की भरोसा। इसीलिए हमारी कई सारे नए पैमाना, संपर्क के नए पैमाना खड़े हो रहा है, और आने वाले दिनों में ईरान से हो, सऊदी अरब से हो, यूएई से हो, कतार से हो, या कुवैत जैसे देश हो, या ओमान जैसे देश हो, उनमें से हमारी संपर्क बढ़ेगा। इतना ही नहीं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, लैटिन अमेरिका के कई देश समूह, भारत अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विश्व के कई सारे देशों के साथ संबंध ठीक कर रहा है, संबंध को बढ़ा रहा है, और हमको अच्छे रेट में, अच्छे टर्म में तेल मिलना शुरू किया है। उसमें भारत की बुनियादी व्यवस्था में बहुत सारे बचत भी होगी, बहुत सारे नए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एक नई दिशा की ओर जा रही है। आप बिहार से राज्यसभा के सांसद हैं, बिहार कोटे से मंत्री हैं, बरौनी रिफाइनरी जिसके गोल्डन जुबली समारोह में आप गए थे, आपने उत्पादन क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया, पेट्रोकेमिकल्स लगाने की बात हुई, उस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हो पाई है? देखिए, हमने जब कहा कि BS6 की हम कल्पना कर रहे हैं, रिफाइनरी के ऑपग्रेडेशन, रिफाइनरी के एक्सपेंशन के साथ तो होती है, बरौनी की सारे योजना उस दिशा में बन चुकी है। बिहार में उद्योग नहीं है, बरौनी कभी श्री बाबू के समय में उद्योग के केंद्र की कल्पना की गई थी, कुछ बने भी थे, लेकिन बाद में बिहार की जैसे हालत हुई उसमें से एक ठहराव आया।
पेट्रोकेमिकल की सारा योजना क्या क्या, उसमें से हम बिहार की बाजार को और पूर्वी भारत की बाजार में पेट्रोकेमिकल की कौन कौन सी आइटम हम ले आने में वहाँ उत्पादन बढ़ेगी इसकी भी योजना हम बना चुके हैं। उसके अलावा हमारे विभाग से जो गैस पाइपलाइन की योजना शुरू हुई है, ये बोरोनी तक 2 साल के अंदर पहुँचेगी, जिसके कारण अभी सरकार ने तय किया है बरौनी खाद कारखाने को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सहायता से, IOC की सहायता, उसको हम बनाएंगे। 3 खाद कारखाना भारत की, पूर्व भारत में जो है गोरखपुर, बरौनी और सिंधरी, तीनों को भारत सरकार की 3 मिनिस्ट्री की कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट की मदद से अप्रूवल में मिला है, उसको हम योजना बनाए हैं। उसी के अंदर बरौनी रिफाइनरी, बरौनी की पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और बरौनी की खाद कारखाना, ये तीनों को हम अगर एक बिहार की उद्योगीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, उसमें से वहाँ की रोजगार, वहाँ की अर्थनीतिक वातावरण, उद्यमियों को बहुत बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। अब आखिरी सवाल, पेट्रोलियम मंत्री के निजी जीवन से जुड़े हुए, आप संगठन करता रहे, कई राज्यों के सफल प्रभारी रहे, 3-3 राष्ट्रीय अध्यक्षों की कैबिनेट में आप महासचिव रहे, एक संगठनकर्ता, एक लीडर और अब भारत सरकार के मंत्री, इन दोनों के बीच किस तरीके से सामंजस्य आप बिठा पाते हैं और दोनों जो काम है उसमें सबसे ज़्यादा चुनौती किसमें है और सबसे ज़्यादा एंजॉय आप किसको करते हैं? देखिए, काम काम होती है, मैं बहुत उसमें चुनौती और मन लगा के हम लोग काम करते हैं और एंजॉय, चुनौती, ये सारा विषय बहुत कुछ मायने नहीं रखता है, मेहनत करते हैं और ईश्वर की कृपा है और मैं मानता हूँ हम कोशिश करते हैं, हम कितना अच्छा करें ना करें कोई गलती ना हो जाए और हम समाज की को अत्यंत निष्ठा के साथ हम समाज के काम पे जुड़े रहें, यही प्रभु के पास हम प्रार्थना करते हैं, उसी काम पे जुटे रहते हैं। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।